हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब खूब मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नेम चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी मीन्स लेटर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। पत्र मीन्स चिट्ठी। वह पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे। पते मीन्स एड्रेस। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। संदेश मीन्स मैसेज। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब इस प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों चाहिए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो बच्चों, आप देख रहे हैं जो दो लिफाफे। लिफाफे क्या होते हैं? लिफाफे वो होते हैं जिसके अंदर हम अपना संदेश, अपना जो मैसेज है वो रखते हैं, और लिफाफे के ऊपर उस व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं जिस तक हम अपना संदेश पत्र पहुंचाना चाहते हैं। तो आप जो दो लिफाफे देख रहे होंगे, एक थोड़ा वाइट कलर का है और एक थोड़ा येलो कलर का। जो वाइट कलर का लिफाफा है उसके ऊपर सिर्फ महात्मा गांधी लिखा है, जहाँ से जहाँ हो वहाँ और वाद्रा, और दूसरे लिफाफे के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा गया है और साथ में पिन कोड लिखा हुआ है। तो आप दोनों आपको दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो डिफरेंस तो दिख रहा है कि एक लिफाफे के ऊपर अच्छा प्रॉपर एड्रेस है और दूसरे के ऊपर सिर्फ नेम। तो बच्चों, आप भी अगर किसी को लेटर लिखो तो ये गलती कभी मत करना कि लिफाफे के ऊपर सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखो। ऐसे आपका लेटर कभी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। आपको उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा, तभी आपका जो पत्र है उस व्यक्ति तक पहुँच पाएगा। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत जहाँ संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। तो बच्चों, जब भी हम किसी को एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस लिखते टाइम हमें इन बातों का ख्याल रखना होता है। क्या कि जब पहले हम उस लिफाफे के ऊपर लिखते हैं उस व्यक्ति का नाम जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उसका हाउस नंबर, उसके बाद हम लिखते हैं वो कौन से मोहल्ले में रहता है, उसके बाद हम लिखते हैं वो कौन से गांव में और कौन से कस्बे में और कौन से शहर में रहता है, और उसके बाद लिखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट मीन्स कि वो शहर गाँव कौन से ज़िले में पड़ता है, उसके बाद हमारा आता है पिन कोड। तो अब हम पिन कोड के बारे में पढ़ेंगे। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। आपने भी कभी देखा है कि कभी कभी कुछ गांव के कुछ शहरों के नाम सेम होते हैं ना। तो इसीलिए पिन कोड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऐसे अगर आप किसी को लेटर लिखोगे तो आप लिख दोगे गुजरात, हो सकता है कि गुजरात दो हो, तो जो पोस्टमैन है वो तो कंफ्यूज्ड हो जाएगा ना कि कौन से गुजरात में लेटर लेके जाना है। तो इसीलिए पिन कोड बनाया गया। जो पिन कोड है वो हर एक गांव का, हर एक सिटी का अलग होता है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे सकते हैं, क्योंकि उसी पिन कोड से उसको पता चल जाता है कि ये कौन से एरिए का लेटर या पत्र है। तो थोड़ा पिन कोड के बारे में पढ़ते हैं।
पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पिन का मतलब क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। हर एक जगह का जो पिन कोड है 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 11 00 16। इसमें पहले स्थान पर दिए गए गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 यानी अंक 10 तय करते हैं कि ये दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 0 16 दिल्ली उपक्षेत्र में के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो बच्चों, आपको पता चला अब पिन कोड क्यों बनाया गया? कि उस हर एक एड्रेस को यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? डाक तार विभाग ने। उनको परेशानी आई होगी, इसीलिए उसकी स्थापना की ना उन्होंने पिन कोड की। तो ये कब की थी? 15 अगस्त 1972 को। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उसे मिली किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं ने निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बच्चों, टाइम टाइम पर जो हमारी डाक विभाग ने इसके ऊपर मीन्स की तरक्की करता जा रहा है। जैसे हम अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले मीन्स कि हम अपना संदेश कैसे पहुंचाते थे, हम अपना पत्र कैसे पहुंचाते थे? कबूतर होते थे, हम अपना जो सुनेहा था कबूतरों के द्वारा भेजते थे। वो जो कबूतर थे वही हमारा संदेश पत्र लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। तो चलो हम पढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो इंसानों की बात कैसे ना हो, जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते थे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजों के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों पर डाक पहुँचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जैसी कई जगहों पर जहाँ हर कार्य डाक पहुँचाते हैं। तो बच्चों, पहले कौन मैसेज पहुँचाता था? हमारा कबूतर। उसके बाद आदमी पहुँचाने लगे, उनको बोलते थे हर कार्य, और वो पैदल ही चलते थे। हमारा सर जो संदेश था दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए पैदल ही जाते थे। और जो राजे महाराजा थे उनके पास घुड़सवार हर कार्य हुआ करते थे। लेकिन उन हर कारों को बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि रास्ते में उनको जंगली जानवर मिलते थे। और क्या मिलता था? और उनको कौन सी परेशानी आती थी? एक तो उनको वो जंगली जानवर मिलते थे, सोचो क्या और क्या परेशानी होती होगी। और दूसरा होता था कि उनको डाकू लुटेरों से भी बचना होता था। तो लेकिन अभी भी हरकारे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का लद्दाख एरिया है उसमें एक जगह है पद्म, जहाँ पर कि हरकारे ही डाक लेकर जाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक मारने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग की पत्र मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आज लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और आजकल अगर हमने अपना संदेश दूसरी कंट्री में भेजना हो तो कैसे पहुँचाएँगे? हवाई यात्रा है ना, हवाई जहाज़ पहुँचाएँगे, पानी का जहाज है। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। सोचकर आश्चर्य होता है, आश्चर्य मीन्स हैरानगी, कि कबूतर जैसा पंक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। संदेशवाहक मीन्स हमारा संदेश, हमारा सुनेहा पहुंचाने वाला। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां मीन्स ब्रीड, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरबाज या
हुमर वेब पर जाती है, जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वह कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो बच्चों, जो सभी कबूतर हैं वो सभी मैसेज नहीं लेकर जाते हैं, इनमें से सिर्फ दो जातियां हैं जो लेकर जाती हैं। कौन सी जातियां हैं वो बताओ? एक तो गिरबाज और दूसरा हुमर। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कबूतर के बारे में, कबूतरों के बारे में। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्यों के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित होते हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो दो कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रीन नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वह किताब को हिंदी में भी छापें। ये रहा उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110010। तो बच्चों, जो उड़ीसा पुलिस है वो अभी भी हुमर नामक जो जाती है ना कबूतरों की, उनसे अपना संदेश जो अपना डाक है उनके द्वारा ही भेजते हैं वो। और ये काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो आयु होती है वो 15-20 साल होती है और 8-10 साल तक ये बड़े अच्छे से काम करते हैं। और ये एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफ़र भी तय करते हैं। और आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वहाँ पर भी एक कबूतर था जो मैसेज को यहाँ से लेकर दूसरी जगह पर जाता था, और उसके ऊपर एक बुक भी छपी हुई है। बुक का क्या नेम है? ग्रे नेक। तो अगर आप चाहते हो कि ये बुक आपको हिंदी में मिले, तो आप इस एड्रेस पर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया को पत्र लिखकर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो बच्चों, आपको कैसा लगा डाक के चिट्ठी के बारे में पढ़कर, कि पहले कैसे हम लोग अपना संदेश पहुंचाते थे, अब कितनी फैसिलिटीज़ हैं? आजकल तो हम फ़ोन कर लेते हैं, एक मिनट में ही पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले तो चिट्ठी जाते जाते ही 5-6 दिन लग जाते थे, और 5-6 दिन तक हमारा संदेश ऐसे ही रहता था। आजकल तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं, है ना फैसिलिटीज़। तो बच्चों, आप भी एक पत्र जरूर लिखो और मुझे बताओ कि आपने वो पत्र किसको लिखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताजो मैं आपके लिए ऐसे ही और नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। बाय बाय।